नमस्कार, मैं हूं प्रियंका संभव और आप जुड़े हुए हैं हेलो मनी नाइन के साथ। ये वो प्लेटफॉर्म है जहां हम अलग अलग पर्सनल फाइनेंस के एक्सपर्ट्स से आपको लाइव मिलवाते हैं, आपके सवालों का जवाब लेकर आते हैं, पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी हर बात करते हैं जो आपके लिए बचत और निवेश के रास्ते को आसान बनाए। वेडनेसडेज को हम फोकस करते हैं म्यूचुअल फंड में, और म्यूचुअल फंड में क्या देखने को मिल रहा है कि निवेशकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। जितने भी म्यूचुअल फंड कंपनियां उनके लिए अच्छी खबर है, लेकिन एम्फी का एक लेटेस्ट डेटा है वो आपके सामने रखना चाहूंगी। म्यूचुअल फंड में डायरेक्ट इन्वेस्टर्स की संख्या में एम्फी कह रही है कि बढ़ोतरी हुई है। डायरेक्ट इन्वेस्टर्स यानी वो निवेशक जो बिना किसी फाइनेंशियल एडवाइजर या डिस्ट्रीब्यूटर्स की मदद से म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं। आंकड़े बताते हैं कि दिसंबर 2020 में डायरेक्ट इन्वेस्टर्स की संख्या जो मात्र 15% थी, वो दिसंबर 2023 में बढ़कर 22% हो चुकी है। तो ये डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या है, क्या इससे ज्यादा फायदा होता है, और अगर आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको किन बातों को जानना चाहिए, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और रेगुलर इन्वेस्टमेंट में फर्क क्या होता है, इन सब पर आज हम बात करने वाले हैं। और आपके सवालों का जवाब देने के लिए और डायरेक्ट वर्सेज रेगुलर के इस डिबेट में इसके अंतर को समझाने के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर पूनम रुंगटा जी। थैंक यू सो मच पूनम मैम, आपने वक्त निकाला मनी नाइन के लिए। बहुत सारे सवाल हमारे पास हैं, बट आई एम श्योर आप जब भी आती हैं, देखिए शो शुरू होने के पहले ही लाइव क्वेश्चंस भी आने लगे हैं, सो प्लीज अपने लाइव क्वेश्चंस यूं ही भेजते रहिए। आई विल बी टेकिंग ऑल योर क्वेश्चंस, पूनम मैम आंसर दे रही होंगी। और अगर आप भेजना चाहते हैं अपने सवाल तो ये तरीका है, पूनम मैम से लाइव सवाल पूछिए हमारे व्हाट्सएप पर 9311121874 पर, या फिर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं money9query@tv9.com पर कीजिए। और ये बात मैं बार बार कहती हूँ, जब भी आप हमें मेल कर रहे हो या व्हाट्सएप कर रहे हो, अपने सवाल को जितने अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे ना, अपना अगर आप गोल बता सकें, अपनी एज बता सकें, आप कितने समय तक निवेश करना चाहते हैं ये बता सकें, तो हमारे एक्सपर्ट को आसानी होती है उसे समझने में। एंड आई एम रियली थैंकफुल, कई लोग इस तरह से सवाल भेज भी रहे हैं जिसे आज मैं शो में शामिल करने वाली हूँ, जहाँ उन्होंने अपने पोर्टफोलियो का एकदम परफेक्ट डिस्क्रिप्शन अपने लक्ष्य के साथ हमें दिया है, अपने एज के साथ हमें दिया है। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। चलिए अब शुरुआत करते हैं, आज जिस मुद्दे को मैं लेकर आई हूँ वो है रेगुलर वर्सेस डायरेक्ट। तो इनमें क्या अंतर होता है पूनम मैम, और आपने भी ये महसूस किया कि लोग डायरेक्ट निवेश ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि अब इतने सारे फिनटेक प्लेटफॉर्म्स हैं जो कहते हैं आप आइए और बस सिप शुरू कर दीजिए, सो इज़ दिस वन ऑफ द रीज़न कि डायरेक्ट निवेश ज़्यादा पसंद किया जा रहा है, और दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है ज़रा समझाइए। अच्छा टॉपिक आपने लिया है आज की, लोगों को ये जागरूकता बढ़ी कि व्हाट इज डायरेक्ट एंड व्हाट इज रेगुलर मोड। बहुत मरतबा न जानकारी न होने से लोग अपना नुकसान कर लेते हैं इस तरह। तो सबसे पहले तो समझें कि डायरेक्ट मोड क्या होता है। डायरेक्ट मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट वो है जहाँ निवेशक और कंपनी के बीच में कोई इंटरमीडियरी नहीं है, कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है, कोई तरीके का प्लेटफॉर्म नहीं है जिससे जिसके थ्रू आप इन्वेस्ट करें। आप डायरेक्ट AMC के साथ अपना निवेश शुरू कर रहे हैं, आप हैं और AMC हैं। तो जब ये सिर्फ दो हैं और बीच की कोई कड़ी नहीं है, तो आपकी जो कॉस्ट है, जो कमीशंस बीच की कड़ी को देना पड़ता है, इंटरमीडियरी को जो एक कमीशन या ब्रोकरेजेस देनी पड़ती है, वो नहीं होने की वजह से डायरेक्ट मोड के जो खर्च हैं वो कम होते हैं। और वही आप रेगुलर मोड में जाते हैं, यानी सेम कंपनी की सेम स्कीम, सेम फंड मैनेजर, सेम पोर्टफोलियो है, पर आप जाते हैं कि इंटरमीडियरी की थ्रू, तो आपका जो बीच में इंटरमीडियरी होने की वजह से टोटल एक्सपेंस रेशियो जो है कंपनी का बढ़ता है, क्योंकि कंपनी ब्रोकरेज पे करती है टू द इंटरमीडियरी, वो एडवाइस देने के लिए, वो सहूलियत करने के लिए, आपको निवेश करवाने के लिए जो एफर्ट आप इंटरमीडियरी करते हैं उसमें उसकी वजह से उनको एक कमीशन बोनस ब्रोकरेज दिया जाता है। तो जिसकी वजह से दोनों मोड में, डायरेक्ट मोड और रेगुलर मोड के अंदर जो अंतर्गत जो फर्क है, वो सिर्फ और सिर्फ एक एक्सपेंस रेशियो का फर्क है, और बिल्कुल कुछ फर्क नहीं है। दोनों स्कीम सेम है, सभी कुछ उसमें पैरेलल चलता है, बस NAV यानी नेट एसेट वैल्यू की जो कैलकुलेशन होती है उसमें फर्क होता है बिकॉज ऑफ टोटल एक्सपेंस रेशियो। अदरवाइज दोनों स्कीम्स एकदम सेम है और एकदम पैरेलल चलते हैं। ठीक है, तो रेगुलर और डायरेक्ट में फ़र्क जो एक सबसे बड़ा होता है वो होता है एक्सपेंस रेशियो का। जब लोग डायरेक्ट निवेश करते हैं तो ये बात तो कहीं ना कहीं माइंड में रहती है कि भाई यहाँ मेरा कम खर्चा होगा, मैं यहाँ पर करता हूँ अगर निवेश, तो एक तो कम खर्चा होगा। जब डायरेक्ट निवेश करते हैं तो हम क्या देखते हैं, हम पास परफॉर्मेंस देख करके निवेश करते हैं। तो पास परफॉर्मेंस देख कर निवेश करने के क्या कुछ रिस्क हो सकते हैं,
या फिर डायरेक्ट निवेश अगर कोई कर रहा है तो पास्ट परफॉर्मेंस राइट पैरामीटर है किसी भी स्कीम को समझने के लिए। आप क्या सजेस्ट करती हैं? ये एक बहुत ही डेलिकेट मैटर है, जहां निवेश किस कंपनी में करें उसके लिए आप क्या चीज को मद्देनजर रखें। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले जैसे आपने बोला कि पास्ट परफॉर्मेंस देखते, सभी लोग देखते हैं कि पास्ट में कंपनी ने क्या परफॉर्म किया है, स्कीम ने क्या परफॉर्म किया, उसके बेसिस पे वो निवेश करते हैं। पर ये एक बहुत ही आपको भटका देने वाला एक पैरामीटर है। ये मैं बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं मानती एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर। और जो मैंने मेरी जर्नी ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग में देखा है विद माय एक्सपीरियंस, कि लोग पास्ट परफॉर्मेंस देख के निवेश करते हैं, पर कंपनी स्कीम कौन सी है, उसमें आपको निवेश करना चाहिए कि नहीं, आपके लिए वो सही है कि नहीं, वो देखना भूल जाते हैं। तो जो डायरेक्ट निवेश करते हैं उनके साथ बहुत मरतबा ये गलती हो जाती है। इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी कि अगर आप का निवेश का समय जो है, टाइम होराइजन आपका सिर्फ समझ लीजिए 5 साल है या 3 साल है, और आप एक लिस्ट लेके बैठे, क्योंकि म्यूचुअल फंड स्कीम्स का जो परफॉर्मेंस चार्ट है या कोई भी तरह के उसके खर्च या कुछ भी, वो इतना ट्रांसपेरेंट है कि आपको ऑनलाइन सभी कुछ देखने मिलता है। तो आप पास्ट परफॉर्मेंस देखते हैं कि चलिए स्मॉल कैप कंपनीज के बहुत अच्छे रिटर्न्स बने हैं पिछले 3 सालों में, तो मैं भी चलो अगले 3 साल के लिए ये स्कीम में निवेश करता हूँ। तो अगर आप खुद ही सोचिए कि अगर 3 साल का जो निवेश का होराइजन है, उसमें अगर आप स्मॉल कैप तरह के आप फंड का चुनाव करेंगे, तो आपका 3 साल के बाद क्या पॉसिबिलिटी ऑफ व्हाट इज मोर, वेल्थ एक्यूमुलेशन इज मोर और वेल्थ इरोजन इज मोर। आपका पैसा हो सकता है अगले 3 सालों, अगर आपने सिर्फ 3 साल का होराइजन लेके चले हैं, तो पास्ट परफॉर्मेंस देखते हुए आप स्मॉल कैप की तरफ झुकाव करेंगे, और उसमें आपका पैसा पूरी तरह कैपिटल भी खत्म हो सकता है, पैसा बनने की बात तो आप जाने दीजिए। सो पास्ट परफॉर्मेंस इज नॉट द राइट पैरामीटर टू चूज आपको किधर निवेश करना है। आपको पास्ट परफॉर्मेंस, हालांकि प्रियंका बहुत मरतबा सेम कंपनी का पास्ट परफॉर्मेंस सेम स्कीम आपको सूट भी करती है, पर वो गारंटीड नहीं है कि आगे चल के सेम स्कीम देगी, क्योंकि हो सकता है फंड मैनेजर्स का बदल गया हो, रोल बदल गया हो, या कंपनी के कंप्लायंसेस बदल गए हो, या सेबी ने कुछ रेगुलेशंस नए निकाल दिए हो, बहुत सारी ऐसी चीज हो सकती है। तो आपने डिस्क्लेमर भी हमेशा पढ़ा होगा, पास्ट परफॉर्मेंस इज नॉट द राइट पैरामीटर टू चूज और ये योर गारंटी देयर। नहीं है कि पास्ट परफॉर्मेंस अच्छा रहे तो आगे भी इसका प्रदर्शन अच्छा रहेगा। तो ऐसे में पूना मैम, अगर कोई खुद निवेश करना चाहता है तो आप उसे क्या कहती हैं? अगर वो डायरेक्ट निवेश ही चुनना चाहता है जिसमें उसे लग रहा है कि भाई मैं एक एक्सपर्ट के पास नहीं, आजकल DIY इन्वेस्टर्स होते हैं कि डू इट योर सेल्फ, अगर कोई खुद से निवेश करना चाहता है, डायरेक्ट निवेश के जरिए निवेश करता है, तो आप उन्हें क्या कहती हैं, किन बातों का ख्याल रखें? आप डिस्करेज करती हैं कि डायरेक्ट निवेश के लिए नहीं जाइए? दोनों बातें बताइए, प्रोज एंड कॉन्स बताइए। डिस्करेज तो आप बिल्कुल के लिए बहुत अच्छा है, अगर किसी को ये समझ है कि वो गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट कैसे करे, वो रिस्क प्रोफाइलिंग अपना खुद का कैसे करे, साथ ही वो कंपनी की जो वेरियस थिंग्स जिसे हम देखते हैं, जैसे कि वो अल्फा कितना जनरेट कर रहा है, फंड मैनेजर किस तरीके से निवेश कर रहे हैं, पोर्टफोलियो किस तरीके का है कंपनी का, आपके रिस्क प्रोफाइल को सूट कर रहा है कि नहीं, बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी बारीकी की चीजें हैं। आपने जो फंड चूज किया उसको उसके पीयर्स के साथ भी कंपेयर करें, इस तरीके का कंपैरिजन अगर आप कर सकते हैं और आपके पास समय है ये सब करने का, और आप में समझ है, समय के साथ समझ भी है, तो आप डायरेक्ट निवेश बिल्कुल कर सकते हैं। मगर आपको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए उसमें निवेश करने में, बहुत सोच समझ के और बहुत ही बारीकी से अपनी सारी जो नीड्स है उसको अलाइन करना चाहिए, और फिर साथ में पेशेंस रखना चाहिए कि जहां मैं निवेश कर रहा हूँ वो सही है और उसमें लॉन्ग टर्म बने रहना है। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे म्यूचुअल फंड या डायरेक्ट इक्विटी जो ये एसेट है अपना, इसमें आपको लॉन्ग टर्म बने रहना है, इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ लॉन्ग टर्म। अगर आपको शॉर्ट टर्म रहना है तो आप डेट प्रोडक्ट भी चूज कर सकते हैं म्यूचुअल फंड के। पर जहां हम इक्विटी की बात करते हैं, इक्विटी म्यूचुअल फंड की, उसमें आपको बहुत ही केयरफुली और बहुत ही पेशेंटली निवेश में बने रहना है, और ये काम अगर आपको समझ है और आपके पास समय है ये समझने की, वो करनी चाहिए। इसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल और बताती हूँ प्रियंका, कि जो निवेशक डायरेक्टली DIY जिसे आप कहते हैं, वो पास्ट परफॉर्मेंस देख के या फ्रेंड्स कर रहे हैं, फैमिली कर रहे हैं, वो निवेश शुरू तो कर देते हैं और फिर एवरी डे उसका NAV चेक करते हैं, उसकी उतार चढ़ाव देख के पैनिक हो जाते हैं,
और समय के पहले उसमें लॉसेस बुक करके निकल जाते हैं, और फिर अगले 5 साल के बाद पता चलता है अरे इसमें बने रहते तो अच्छा होता, बिकॉज इट इज वेरी पॉपुलर ना। जैसे हम शोज करते हैं बताते हैं कि जितना एनएवी जिस महीने कम होगा उस महीने आपको यूनिट्स ज्यादा अक्यूमुलेट होगी, और आपको आगे चल के इस तरीके का जो कंपाउंडिंग और एवरेजिंग का इफेक्ट है वो लंबे समय में पता चलेगा। और वो डायरेक्ट निवेशकों को बताने वाला गाइड करने वाला कोई होता नहीं है, इसलिए वो पैनिक करके गलत समय में बाहर निकल जाते हैं और गलत समय में एंटर करते हैं। उससे उनका जो ट्रस्ट ऑन द इंस्ट्रूमेंट यानी म्यूचुअल फंड एज अ इंस्ट्रूमेंट फाइनेंशियल एसेट में उनका ट्रस्ट कम हो जाता है कि नहीं भाई म्यूचुअल फंड में कभी पैसे बन नहीं सो सकते। अगर डायरेक्ट आपको निवेश करना है तो यू नीड पेशेंस, आपको लॉन्ग टर्म के लिए करना है और आपको अपने गोल्स जानने कि आपको कितने समय के लिए करना है, और आप जिस भी स्कीम को चूज़ कर रहे हैं उसको आपको अलग अलग पैरामीटर्स में चेक करना होगा कि भाई ये स्कीम क्या मेरे लिए सूटेबल है, और इसमें एक फैक्टर हो जाएगा कि रिस्क आप कितना ले सकते हैं। इसी तरह अगर पूनम मैम आप बताएं कि एक स्कीम को कोई इवेल्युएट करे तो वो चेकलिस्ट क्या क्या होनी चाहिए, जैसे आपने कहा कि आप देखें कि वो फंड मैनेजर ने कैसा रिटर्न जनरेट वो करता रहा है, राइट? एक ये हो सकता है कि उस फंड मैनेजर ने कैसे बिहेव किया मार्केट्स के अप्स एंड डाउन में, और क्या क्या फैक्टर्स हैं जो आप कहते हैं कि आपको देखना चाहिए एक स्कीम जब आप चूज करते हैं तो? एक तो आपको परफॉर्मेंस देखनी चाहिए इंडेक्स के साथ, उसने कैसा परफॉर्म किया है, अगर इंडेक्स ने जितना निवेश में परफॉर्म राइट, इंडेक्स किया से है उसके कंपैरिजन कीजिए। ऊपर इंडेक्स के साथ हम कंपेरिजन करेंगे, उसका फी स्ट्रक्चर देखेंगे, क्योंकि आप रेगुलर मोड में भी जाएंगे या डायरेक्ट मोड में भी जाएंगे हर में अलग अलग तरीके का फी स्ट्रक्चर होता है। फी स्ट्रक्चर कैसा है, फंड मैनेजर का पास्ट परफॉर्मेंस कैसा है वो आप देख सकते हैं, फंड ने अल्फा कितना जनरेट किया वो हमने बात करी वो हम देख सकते हैं, उसके बाद हमें रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स कितने मिल रहे हैं वो भी देखना चाहिए, जैसे बीटा ऑफ द फंड देखना चाहिए, कई अग्रेसिव या अग्रेसिव कंपनीज तो नहीं चूज कर लिए फंड मैनेजर ने वो देखना चाहिए, पोर्टफोलियो होल्डिंग्स को जरूर चेक करना चाहिए किस तरीके का है, शार्पे रेशियो देख सकते हैं कि उसने एडिशनल रिस्क कितने उठा के कितना रिटर्न दिया, बिकॉज अल्टीमेटली प्रियंका आप फंड मैनेजर को या कंपनी को एएमसी को एक फीस दे रहे हैं टू मैनेज योर फंड्स, तो वो सही तरीके से मैनेज होके आपको अल्फा जनरेट करके दे रहे हैं तो इट इज जस्टिफाइड टू पे अ फीस। तो ये सभी रिटर्न्स देखने चाहिए, खाली पास्ट परफॉर्मेंस देखने से आप बहुत मिसगाइड हो सकते। ठीक है, तो केवल पास परफॉर्मेंस के आधार पर फैसला लेंगे तो ये एक मिसगाइडेड इन्फॉर्मेशन हो सकती है। सो जस्ट बी केयरफुल, और रेगुलर में करें, डायरेक्ट में करें, निवेश ज़रूर करें, लेकिन जो पूनम मैम की बात से जो मुझे समझ में आ रहा है उसको समझ कर करें, उसके बारे में होमवर्क करके करें, तभी डिसीजन ले फाइनल।